क्या कह रहा? वन लेने हैं, जैसे मैं घुस रहा गलत जगह, इधर बच्चे चल रहे हैं, कहाँ घुसाऊं, बच्चों को चढ़ा दूं? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो बाकी आज वाले व्लॉग की शुरुआत फिर दोबारा कार से हो रही है, ठीक है। और काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मतलब जब कार सुबह सुबह चला रहा है ना, तो उसके मतलब कि रोज वीडियो डाल, ठीक है। तो मतलब कि देखो, मैं रोज ना कुछ सीख रहा हूँ उसमें, तो रोज ही मतलब कि देखो वीडियो मतलब सीखते हुए डाल नहीं सकता हूँ। जब मैं कुछ चीज सीख जाता हूँ, ठीक है, तब मैं मतलब कि वाली चीज आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितना उसमें परफेक्ट हुआ हूँ, कितना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। बाकी आज वाले व्लॉग की बात करें तो आज वाले व्लॉग में मतलब कि मैं एकदम देखो सोलो हूँ, ठीक है। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। पीछे देख लो, पीछे भी कोई नहीं है। तो आज वाले व्लॉग में अपना ये है कि आज मैं मतलब कि करने वाला हूँ सोलो ट्रैवल, ठीक है। सोलो ट्रैवल देखो मैंने बहुत करा है बाइक में, पर कार में ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब कि डर भी लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, पर जब तक मतलब कि अकेले नहीं चलाऊंगा ना, तब तक मतलब कि ये डर ना खत्म नहीं होगा बिल्कुल भी। और जैसे बाइक में पहले स्टार्टिंग में बाइक सीखी थी तो अकेले में चलाने में काफी डर लगता था, पर अब इतना डर नहीं लगता। अब तो एक दिन लद्दाख जाऊंगा मैं बाइक में, ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। फिलहाल तो बात करते हैं मतलब कि ये अभी कार की, ठीक है। तो कार में मतलब कि आज भी कुछ 10-20 किलोमीटर का हम लोग राउंड मारेंगे, वो भी सोलो में। तो देखते हैं मतलब कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मेरे को देखो थोड़ा बहुत डर है और डर नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ गाड़ी, तो इतना डर नहीं है। पर इतना था कि साथ में मेरे साथ कोई था जो मतलब कि टाइम पास कराता था, मतलब बात करते करते चलते थे, पर आज मैं अकेले जाऊंगा एकदम। तो देखते हैं मतलब कि कैसा रहेगा आज का, ठीक है। तो फटाफट मतलब कि करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। वैसे मैंने पार्किंग से निकाल दी थी और गाड़ी को करते हैं अभी स्टार्ट। इसका मीटर अच्छा लगता है यार, ये सारी लाइटें जल जाती है आगे की। बाकी चलो फिर गाड़ी हो गई है स्टार्ट, तो चलते हैं फिर। तो चलो फिर चलते हैं और देखते हैं मतलब कि आज अपनी गाड़ी मतलब मैं कैसे चला पाऊंगा, ठीक है। मतलब डर अभी भी है मतलब थोड़ा बहुत कि अकेले मैं कैसे चला पाऊंगा, पर चलो कोई नहीं। जब तक मतलब कि देखो सीखेंगे नहीं हर चीज़ से, तो उसमें मतलब कि ये है कि परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब मैं अगर ऐसे ही डरता रहूँगा कि अकेले में मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, तो वो उससे क्या होगा मतलब कि मेरे अंदर ना मतलब कि और डर रहेगा कि मैं नहीं चला पाऊंगा। पर अगर मैंने जिस दिन चला लिया अकेले, तो उस दिन मतलब कि एक डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि हाँ मैं आराम से चला सकता हूँ। ये देखो क्रिस दिखाऊं, क्रिस आगे चला गया, ये देखो दूसरा भी आ गया क्रिस। देखो सामने मतलब कि मोड़ आ गया, ठीक है। तो मेरे को ऐसे टर्न लेना है, तो मैं पहले इंडिकेटर दे देता हूँ, चाहे पीछे से कोई आए या ना आए, ठीक है। देखो फायदा अपना ही है, ये देखो जरा बस आ गया एकदम से, आराम से निकलेंगे, ज़्यादा डरना नहीं है बिल्कुल भी। और दोनों तरफ देख लिया मैंने, गाड़ी बिल्कुल आ नहीं रही है इधर की तरफ से, हम लोगों ने गाड़ी ये देखो काट दी आराम से, तो इतनी दिक्कत है नहीं कोई। गाड़ी पीछे से आ रही थी बल्कि वो काफ़ी पीछे थी। आज आप लोगों को ना यही वाला एंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज मैं अकेले आ रखा हूँ, तो साइड में मतलब कि कोई है नहीं बैठने के लिए, देखो मतलब कि ये शूट करने के लिए। तो आज ये वाला शॉट आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ना मतलब कि उस जगह में एक माउंट वो कर दूँ, इंस्टॉल कर दूँ, ताकि ये कि वहाँ से भी एक ना व्यू प्रॉपर मिले अच्छा सा। मैंने पहले इधर सोचा था आगे की तरफ, मैंने कहा यहाँ से व्यू अच्छा दिखेगा, पर यहाँ से ये दिक्कत हो रही है कि फेस ना पूरा काला आ रहा, तो इतना ना मतलब कि वो नहीं हो रहा, अच्छा दिख नहीं रहा। तो मेरे को वहीं से एंगल अच्छा दिख रहा हो, और बाकी वहाँ से ना मतलब पूरा पीछे का व्यू भी दिख जा रहा है, जो पीछे अगर कोई बैठा होगा तो वाला व्यू भी दिख जाएगा आराम से, तो इतना कोई वो नहीं है उसमें दिक्कत। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे लगा लूँगा, तो एक दो दिन में मैं वहाँ पे भी लगा लूँगा, फिर आप लोग क्या पता शायद से अगले व्लॉग में आप लोगों को वहाँ से व्यू देखने को मिले, है ना। और वहीं पर घुस रहा हो, चलो जगह थी, काफ़ी जगह थी, पर इतनी भी जगह नहीं थी ना कि वहाँ अगर तुम घुसते ही रहो। शुरू शुरू मेरे को ये भी डर लगता था, जब साइड में कार रुकती थी ना, तो मुझे लगता था अपना मतलब कि कार का बोनट ना उसमें टच जाएगा, काफ़ी डर था भाई शुरू में। अब देखो इतना डर है नहीं, डर को ख़त्म करके चलाना है बस, ये चीज़ है। बस ये है कि रोडों में गड्ढों से बच के रहना है बस, एक चीज़ तो मैंने सीख ली। बाइक में इतना तो होता नहीं है, बाइक में तो जैसे दिखा तो ब्रेक मार लो या बगल से कट मार के निकल जाता है हर कोई, पर कार में ये चीज़ भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी बड़ा गड्ढा रहता है और काफ़ी बड़ा तो कार का फ्रेम ही है, तो कट तो इसमें बहुत मुश्किल से है ऐसी जगह। तो देखो अभी मतलब कितना ट्रैफिक हो रहा है दाएँ बाएँ, तो यहाँ पर जैसे गड्ढा दिखा ना, ये देखो जरा ये पूरा एंकर हिल ही गया भाई सिस्टम, चांद में चल रहे हम लोग अभी, गड्ढे इतने सारे हैं। देखो नॉर्मल जैसे हम लोग अभी चल रहे हैं ना, इतनी स्पीड में अगर जैसे हम गड्ढे में जाते हैं ऐसे गाड़ी हिलती है, तो लोगों को उसमें भी डर लगता है, मेरे को शुरू में लगा था, पर जब मैंने पता करा ना तो पता चला कि इतने गड्ढे से कुछ नहीं होता गाड़ी में, ठीक है। अगर हम लोग तेज़ी में आए और एकदम से हमने बम को क्रॉस करने की कोशिश करी तेज़ी में, तो उसमें मतलब कि टायर डैमेज भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। देखो तो नॉर्मल ही है यार, अब इतनी हल्की स्पीड में चलोगे तो गाड़ी हिलेगी इधर से उधर, बाकी इससे हल्का करोगे तो गाड़ी तो बंद ही हो जाएगी। इंडिकेटर जब दिया रहता है ना यार, तो मुड़ जाया करो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं पर मुड़ते नहीं। मैंने गाड़ी की स्पीड भी कम कर दी, मैंने चलिए मुड़ जाएगा, वो मुड़ा नहीं, वहीं पर रुक गया हो। इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है यार, जब ये कार वाले आते हैं ना यहाँ पे,
सामने से मतलब कि तब जाम और लग जाता है। तो ये वन वे है, मतलब लोगों का पता चलेगा नीचे, बल्कि बोर्ड में लिखा भी है कि वन वे, टू वे मतलब कि दूसरा रास्ता साइड से है, वो भी वन वे ही है, ठीक है। पर पता नहीं लोग समझते नहीं। अभी रोड देखो मतलब कितनी नैरो है, ठीक है, तब भी मतलब कि लोग यहाँ पे घुसा ही देते हैं गाड़ी, बाइक वगैरह देखो निकल जाती है। टू ये देखो जरा, एक ये महान आया है, देखो और टू व्हीलर, ये फोर व्हीलर के लिए जगह है ही नहीं यहाँ, ये इतनी है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते, पर गाड़ी घुसा ही देंगे इधर इतनी सी जगह में। क्या कह रहा, खुद तो मेरे सामने आ रहा और मुझे कह रहा है, गाली दे रहा था, नहीं क्या कर रहा कार में, ये तो दिक्कत है, बस रोक के बोल तो नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, खुद सामने आ रहा, वन लेने हैं, जैसे मैं घुस रहा गलत जगह, इधर बच्चे चल रहे हैं, कहाँ घुसाऊं, बच्चों को चढ़ा दूं, लगी है बैंक, दिख रहा है सामने आ रहा और तेज मारा। लो जैसे पहले बताया ये वन वे है, ठीक है, और वन वे में मतलब कि देखो टू व्हीलर, देखो मैं मानता हूँ कि टू व्हीलर में था, निकल जाता हूँ आराम से, पर साइड में बच्चे चल रहे थे, मैं ब्रेक बिल्कुल मार नहीं सकता था, आप लोगों को स्क्रीन में दिख भी रहा हुआ यहाँ पे, पीछे बस आ रही, ठीक है, तो बस में भी जाम लगता, वहाँ पे जाम लगता और उसके बाद ना और जाम लगता रहता जब बस रुकती। तो बाकी आप लोग मेरे को ये बताना, जो आज का फ्रेम आ रहा है ना, आज का फ्रेम आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मेरे को जरूर बताना। थोड़ा बहुत मैंने ना एंगल करा है उसमें, मतलब कि एडजस्ट करा है, और एक कमेंट मैंने ये भी देखा था कि तूने मतलब कि हेलमेट तो पहना नहीं, तेरा इस मिरर में ना फेस पूरा दिख रहा, तो रिकॉर्ड कैसे हो रहा। तो ये माउंट लगा हुआ, ठीक है, और ये आप लोगों को देखो अभी इसमें मिरर में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एकदम पॉज करके देखना, थोड़ा जूम कर देना वीडियो में, तो आप लोगों को दिख जाएगा ये माउंट लगा हुआ गोप्रो, ये गोप्रो से ही रिकॉर्ड हो रहा, पर ये हेड माउंट है तो उसमें मतलब अटैच हो रखा पूरा, और बस व्लॉग ऐसे शूट हो रहा है। स्टार्टिंग आप लोग कह रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा कि अकेले चला रहा हूँ मैं आज, तो देखते हैं मतलब कि अकेले में कैसे चला पाऊँगा कैसे नहीं चला पाऊँगा, ठीक है। और अब मेरे को लग नहीं रहा इतना कि मतलब कि मेरे साथ कोई है नहीं या कोई बैठा नहीं है मेरे साथ, मतलब आराम से गाड़ी ना एकदम चल रही है। मैं सोच रहा हूँ यहीं से यू टर्न मारते हैं, ज़्यादा आगे के जाना, आज दूसरे रास्ते से चलेंगे, या आगे तो सैंसरा निकल जाएगा, आज दूसरे रास्ते से चलेंगे। तो देखा आप लोगों ने बैक करना भी मैं कितना बढ़िया तरीके से सीख गया, और गाड़ी एकदम से बंद भी नहीं हुई। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा, बस जो अभी रास्ते में हुआ वो थोड़ा बेकार हुआ, गलती उसकी थी, मेरी गलती थी नहीं, ठीक है, गाली भगते हुए ही आ रहा था वो, तो कार थी बाइक होती मैं रुक जाता, रिकॉर्डिंग भी ऑन थी, ठीक है, गलती किसकी थी किसकी नहीं थी वो भी पता, वो तो वैसे पता ही है किसकी गलती किसकी नहीं। बाकी बादल की आवाज़ आ रही है भयंकर गरजते हुए, और मुझे लग रहा था क्या आ रही है आवाज़, देखो मौसम ना तब भी साफ हो रखा, ठीक है, देखो इधर की तरफ मौसम ठीक है, पर इधर से ना काफ़ी आवाज़ आ रही है बादल की। बाकी ये लगी हुई गाड़ी, और गाड़ी मैंने कल धोई थी, तो आप लोग कैसी लग रही है मेरे को बताना, चमक रही कि नहीं चमक रही बताओ, मतलब काफ़ी टाइम था ना चल चल के इसमें कीचड़ लग जा रहा था, तो कल मैंने धोई मस्त। पहले स्टार्टिंग में ना पता क्या होता है, जब गाड़ी कोई सीखता है ना, मतलब मैं भी जब सीख रहा था, तो अभी मतलब कि वो बगल में देखा मैंने एक लड़की चला रही थी, तो उसने ना पार्किंग लाइट खोली हुई थी, तो स्टार्टिंग में मैं भी यही कर रहा था, इससे मतलब ये पता चल जाता है सामने वाले को कि अभी ना ये इंसान सीख रहा है गाड़ी, तो कोई इतनी तेज नहीं आता ना कोई ओवरटेक मारेगा। ये देखो जरा ऐसे में, तो इंसान ना मतलब कि वो सीख रहा है, ठीक है, तो इन सीखते हुए वो क्या बोलते हैं पार्किंग लाइट जला दिया करो, सबसे बढ़िया मस्त रहता है यार। मैंने भी शुरू स्टार्टिंग में ना काफ़ी करा था, मतलब कि पार्किंग लाइट जला दी थी, अब तो इतना है नहीं है, देखो अब तो मतलब कि ये है कि साइड से कोई कार आती है कोई गाड़ी आती है, ऐसे ये गाड़ी आई, ठीक है, ये इसको मैंने जगह दी साइड से, ये निकल गया मैं भी निकल गया, ये चीज़। तो याली रोड की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे काफ़ी टर्न है, और मेरे को मतलब कि कुछ दिन पहले कुछ मैसेज आया था कि तेरी गाड़ी में ना आवाज़ आ रही चलते हुए, तो इस चीज़ की आती है, देखो जरा ये एसेसरीज पड़े हुए ये गो इसके ये हेड माउंट के, तो मैंने इसमें ही रख दिए थे, और तब से ना इसकी ऐसे जब ये गाड़ी इधर से उधर घूमती है ना लेफ्ट राइट, तो घिसने की आवाज़ आती है उसकी, इसमें कुछ स्क्रैच वगैरह पड़ नहीं रहे, वो इधर से हिलते हैं बस, वो एक कह रहा है तेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही चलते हुए, वो इसकी आवाज़ आ रही थी यार, वो एसेसरीज पड़ी हुई ना काफ़ी सारी। बाकी यार जब ये धूप आती है ना सामने, तो मेरे को सामने इधर साइड का ना कुछ दिखता नहीं, मतलब जब टर्न करता हूँ तो एकदम आँखों में छुपती है धूप। देखो जैसे आप लोग कह रहे थे यहाँ के जो मोड़ है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं कर्व में, और ये देखो जरा कितने छोटे छोटे मोड़ है यहाँ पे, तो यही चीज़ है हर टाइप से। ओए कहाँ जा रहा भाई, जा नहीं रहा, जा रही है तो आ रही, मतलब अरे छोड़ो यार मुझे उससे क्या लेने देना, कर्व काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, रोड भी काफ़ी अच्छी है, तो गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब देखो अब देखो सामने ट्रक आ गया, और इससे मेरे को देना वोट, इसने पहले सिग्नल दे दिया, लो यार बात ही खत्म भयंकर उसने कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया, उसने बात ही खत्म कर दी, उसने सिग्नल दिया जा भाई तू आगे चले जा, उसने बात ही खत्म कर दी यार, छोड़ो अगली बार समझाऊंगा कुछ।
आया समझाने से याद आया, एक कमेंट ये भी आया था, मतलब कमेंट बहुत आ रहा है यार कि ऐसा लग नहीं रहा कि भाई तू गाड़ी सीख रहा है, ऐसा लग रहा तू सिखा रहा है। तो देखो जो चीज़ मैं सीखा हूँ ठीक है चलाते चलाते, मैं वही चीज़ एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है, बता रहा हूँ ढंग से अब। और ऊपर से मतलब ये है कि कोई सीख रहा होगा गाड़ी तो उसको भी थोड़ा एक आइडिया पड़ जाएगा है ना कि गाड़ी चलाते मतलब कि कैसे चलाते कैसे नहीं चलाते। भाई मैं तो जो सीख रहा हूँ चलाते चलाते मैं तो वही बता रहा हूँ बस वीडियो में, बस बाकी वो लोगों को लग रहा है कि मैं सीख नहीं रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। तो चलो फिर सिखा ही रहते हैं, कोई नहीं, चलो कम से कम कोई सीख तो रहा, मेरी बात तो से है ना, कोई गाड़ी सीख तो रहा। काफी सारी चीजें हैं मेरे को अभी मतलब कि सीखनी है इसमें, और सीखते सीखते सिखाते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं क्यों। बाकी अभी मस्त जगह पहुंच गए एकदम, लोकेशन काफी बढ़िया है वाली। आज ना ट्रैफिक नहीं है यार, आज कहाँ गया ट्रैफिक यार, मैं तो सोच रहा था कि ट्रैफिक मिलेगा पर आज तो ट्रैफिक है ही नहीं, आज गया का ट्रैफिक, क्या पता आगे हो ट्रैफिक। ट्रैफिक तो मिलेगा ऐसा नहीं है क्योंकि 8 बज गए और देखो ट्रैफिक है अभी भी, देखो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल, ट्रैफिक अभी भी है। तो यहाँ पर चलेगा जो मेन पार्ट है आज की वीडियो का वो यहाँ पर है ट्रैफिक में, वो पीछे वाले को आराम से निकल जाए। आज ट्रैफिक नहीं है यार, इतना कहाँ गया ट्रैफिक, हड़ताल वगैरह तो नहीं है आज, क्या है आज, आज ट्रैफिक ही नहीं है यार, गायब हो गया ट्रैफिक पूरा। कल तक ट्रैफिक था भाई यहाँ पे इस रोड पे, इतना ट्रैफिक था कल तक। अरे यार कंटी लोग अभी क्या करें यार, बिना देखे मुड़ जाते हैं बताए भाई। कल तक भाई इस रोड पे इतना ट्रैफिक था, आज पता नहीं कहाँ गया यार इतना ट्रैफिक, भयंकर समझ नहीं आ रहा है। देखो जरा सारी गाड़ियाँ साइड साइड में खड़ी हुई, कल तक इतना ट्रैफिक था भाई यहाँ पे, कल इतने हल्के हल्के चल रहा था मैं यहाँ पे, मैंने कहा यार कल ये चीज़ दिखानी बनती है, कल मैं कैमरा लेके नहीं आया था तो मैंने सोचा कि आज करेंगे बढ़िया सा शूट, आज ट्रैफिक ही नहीं है बताओ यार। कल से मुझे लग रहा 9 बजे निकलना पड़ेगा ट्रैफिक में, क्योंकि एक वीडियो अभी मतलब मेरे को वाली बनानी है ट्रैफिक में कैसे चला सकते हैं गाड़ी कैसे नहीं चला सकते। मेन चीज़ गाड़ी में यही है, चाहे बाइक हो एक्टिवा हो कुछ भी हो मतलब कि कार वगैरह कुछ भी हो ठीक है, तो मतलब कि डर तभी खत्म होगा जब तक आप ट्रैफिक में नहीं चलाएंगे। खुली रोड पर देखो हर कोई चला लेगा ठीक है, पर जब तक ट्रैफिक में नहीं चलाएंगे ना तब तक मतलब कि एक आइडिया नहीं बैठता कि कैसी गाड़ी चलानी है कैसी नहीं चलानी, तो मेन चीज़ वो है। तो ट्रैफिक में मेरे को देखना है, और आज मैं वही सोच रहा था कि मतलब कि ट्रैफिक मिलेगा पर ट्रैफिक तो मिला ही नहीं यार। तो खैर चलो ट्रैफिक जो भी था वो इतना ही था जो भी दिख रहा है सामने, बाकी फिर आज वाली वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है ठीक है, और गर्मी मतलब आज काफ़ी तेज़ हो रही है फिर दोबारा, और ऊपर से ये है कि मैं यहाँ से सीधा घर ही जाऊँगा क्योंकि घर जाके नहाऊंगा यार पहले, तो काफ़ी गर्मी हो रही। तो बाकी आज वाली वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मेरे को बताना। और जो बीच में एक चीज़ होगी थी जो बाइक वाला रॉन्ग साइड आ गया था मतलब 1 मई में, जो भी चीज़ थी मतलब कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताना। बाकी आज वाले ब्लॉग में फिर इतना ही था, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। तो बाकी आज वाली वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने भी चैनल में नई लोग तो सब्सक्राइब बटन, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पर, तब तक गुड बाय, जय हिंद।